हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है। रीजनिंग के लेक्चर में जो है हम अभी तक जो है वर्ड फॉर्मेशंस पढ़ चुके थे, वर्ड की एक प्रकार से अरेंजमेंट या वर्ड फॉर्मेशन जो हमने पढ़ लिया था। जितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हमने देख लिए थे, और क्या क्या हमने जो है ट्रिक्स उसमें अपनाई थी वो भी हमने आपको बता दी थी कि क्या क्या आप इसमें ट्रिक्स अपनाएंगे जो है क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे जो है गणितीय संख्या, आज का जो है टॉपिक हमारा है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो है रिलेटेड होगा कि किस प्रकार से जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी कभी कहेगा माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, तो ये जो है एक प्रकार से कहेगा। उसके बाद में सॉल्व करने का जो है प्रकार से रूल्स क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे इसका जो है मतलब। और कभी कभी सिंबल दे देगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। कभी कभी अक्षर दे देगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है, और कभी कभी एरो भी दे देता है, कहेगा इस एरो का मतलब माइनस है, इस एरो का मतलब प्लस है, इस एरो का मतलब भाग है, इसका मतलब गुणा है, इसका मतलब जोड़ है, कुछ भी इसका मतलब बराबर है, कुछ भी दे देगा और कहेगा कि आप आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। तो ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तीन चार टाइप के जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सारे टाइप के जो है क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है और गुणे का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है मतलब एक प्रकार से या डिवीजन कह लीजिए, इंग्लिश डिवीजन का अर्थ है यहाँ पे प्लस कह दीजिए, और माइनस का अर्थ है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे हिंदी जी चलिए, गुणे का मतलब ये जो है समीकरण दिया गया है, आपको उत्तर बताना है, ये जो है इसके नीचे दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को कुछ भी ना करिए, केवल और केवल आपको क्या देखना है एग्जाम में, आप जो है क्वेश्चन को देखिए, यह मत देखिए कि यहां पे क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा है देखोगे तो आपका आंसर सही नहीं होगा। पहले आप इन संख्याओं को लिख लीजिए, इन संख्याओं को कहीं पे अलग लिख दीजिए, यदि ऑनलाइन पेपर हो तो इनको अलग लिख लीजिए, ऑफलाइन हो रहा हो तो फिर उसी में कर लीजिए, उसी पेपर पे कर दीजिए, ज्यादा अच्छी बात है, पेपर पे करिए ज्यादा अच्छी बात है। अब डिवीजन का अर्थ है, देखिए डिवीजन का अर्थ जो है वो क्या कह रहे हैं, सॉरी यहां डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन पहला ही दिया है, पहला दिया है मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है डिवीजन, तो डिवीजन हमने यहां पे लिख दिया, यहां पे डिवीजन लिख दिया। और उसके बाद में माइनस, माइनस का अर्थ यहां पे देख लीजिए, जो पहले दिया हो उसको बाद में कर रहे हैं, तो माइनस का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्लस, प्लस का अर्थ जो है वो माइनस दे रहे हैं, जो दे रहे हैं माइनस, माइनस लिख दिया। अब उसके बाद डिवीजन, डिवीजन का अर्थ यहाँ पे कह रहे हैं प्लस, डिवीजन का अर्थ कह रहे हैं प्लस, तो डिवीजन का अर्थ जो है वो प्लस है। अब इसको सॉल्व करिए तो आंसर बताइए हमको क्या आएगा। अब यहाँ पे ट्रिक ये आती है कि भाई आपको बोर्ड मास पता होगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, अगर जो कोई ब्रैकेट लगा है तो सॉल्व करिए, हालांकि ब्रैकेट वाले यहाँ पे पूछते नहीं है क्योंकि रीजनिंग है, ये मैथमेटिकल नहीं है, तो बी का काम खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए बोर्ड मास, किससे याद रखिए, बोर्ड मास। उसके बाद कोई भी एक प्रकार से ऑपरेशंस करिए, ऑपरेशंस अगर ऑपरेशंस हमको करने हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं, डिवीजन करना है, फिर क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है क्या करना है गुणा करना, और डिवीजन का मतलब भाग। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट ये वाले सबसे पहले बड़ा ब्रेक छोटा ब्रैकेट सॉल्व करिए, सॉरी ब्रैकेट भी चार टाइप के, एक होता है बार कोष्टक, एक होता है पैरेंथिस मतलब होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट,
या कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट या इसको सबसे बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये चार ब्रैकेट होते हैं और सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे, ऑपरेशंस हमारे होते हैं, तो सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। इससे करिए तब कभी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले। तो देखिए यहाँ पे जो दिए हैं उनको हम यहाँ पे हटा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिवीजन करना है। इसको ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले हमको डिवीजन वाला सॉल्व करना है। अब डिवीजन कहाँ पे दिख रहा है, डिवीजन यहाँ पे जो है दिख रहा है, यहाँ पे जो है डिवीजन दिख रहा है, तो यहाँ वाला जो हमको पहले करना है इसी को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 9 और 2 जा कितना होता है, 18 होता है, और 25 में से 18 चले जाएंगे तो बच्चे, सॉरी हाँ 25 में से 18 चले जाएंगे तो अब बताइए कितना बचेगा, 25 में से 18 चले जाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, एक मिनट, 7 बच जाएगा। अब 2 कैरी आया होगा तो 9 कितना बचा होगा, हम ले गए होंगे 2 बार ले गए होंगे और उसके बाद 9 72 कैसे आ जाए, 9 8 जा 72, 9 8 72, तो ऑप्शन यहां पे हमारा बच गया होगा। 9 को इससे काटेंगे तो 28 आएगा, चेक करके देखिएगा। अब यहां पे देखिए फिर मल्टीप्लिकेशन वाला हम पहले करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला पहले करेंगे और उसके बाद में हम कुछ और करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन वाला फिर करेंगे और फिर यहाँ पे 32 दिया है, फिर प्लस वाला करेंगे, फिर 92 करेंगे, ठीक है। तो 28 पंजे कितना होता है, 130 होता, 28 पंजे कितना होता, सॉरी 28 पंजे 140 होता है, 28 पंजे 140 होता है। तो यहाँ पे जो होता है तो 140 यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि अब मल्टीप्लीकेशन वाला करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के बीच में है, जिनके बीच में हो उन्हीं के करिएगा। तो ये हो जाएगा 140 होता है, 28 पंजे 140 होता है। तो अगले बार जो हम यहाँ पे माइनस दिया 32, हालांकि आप इसमें कुछ भी कर लीजिए, चाहे माइनस वाला पहले करिए चाहे प्लस वाला पहले करिए, आंसर सेम आता है। माइनस प्लस में जो है कुछ भी करिए आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें जो है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में अगर जो आपने गलती कर दी तो आंसर आपका सेम नहीं आएगा, ये याद रखना। अब यहाँ पे देखिए 140 दिया है, अब यहाँ पे 32 में से 92 में से अगर जो 32 हम घटा भी देंगे, 32 घटाएंगे तो हमारा जो है 60 बच जाएगा और 140 बचेगा। और ये भी हमने नंबर सिस्टम में बताया होगा कि माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन चिन्ह उसका लगता है जो संख्या बड़ी होती है, यहाँ पे संख्या कौन बड़ी है 92, तो चिन्ह किसका लगेगा, इसका लगेगा 92 वाले का, यहाँ 140 है तो 92 के आगे प्लस का साइन था वही वाला लगाएंगे, याद रखना। माइनस माइनस प्लस होता है, संख्याएं जोड़ी जाती हैं, और चिन्ह किसका लगता है, सेम चिन्हों का समान चिन्ह लगता है संख्याओं के आगे, असमान चिन्हों के संख्याओं के आगे चिन्ह जो लगता है बड़ी संख्या क्या लगता है, ये भी हमने बता दिया आपको। तो यहाँ पे 140 प्लस 160 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200। तो ऑप्शन हमारा जो है वो डी सही होगा आंसर इसका जो है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं प्लस का अर्थ जो है वो मल्टीप्लीकेशन है। हम अब कुछ नहीं देखेंगे, हमको जो साइन दिया गया है वही देखेंगे। यहाँ देखिए माइनस का अर्थ दे रहे हैं, माइनस का अर्थ है डिवीजन, डिवीजन लिख दिया, डिवीजन का अर्थ क्या कह रहे हैं प्लस, प्लस का अर्थ जो है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का अर्थ माइनस, ये हो गया, ठीक है। अब जितना जो हमारा जो है करके आ गया, अब इसके इसके बीच में जो है डिवीजन का साइन है, पहले इसको करेंगे, 25 7 175 होता है, प्लस 5 5 बचा होगा, ये काम खत्म,
20 आ गया और माइनस का 3, इसको देखिए क्या होगा, इसका जो हम करेंगे सॉल्व, तो अब इसका इसका करेंगे तो 20 पंजे जो होता है वो 100 होता है, माइनस 3 प्लस 7, तो इसका इसका जोड़ेंगे तो आ जाएगा 107 और माइनस 3 104। ऑप्शन जो इसका जो है, एक मिनट, कहीं गलती हो रही है क्या? प्लस का अर्थ जो मतलब डिवीजन का अर्थ प्लस है, हाँ डिवीजन का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ डिवीजन है, माइनस का अर्थ डिवीजन है, और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ माइनस है, मल्टीप्लिकेशन माइनस है। यहां पे देखिए कहीं गलती नहीं है, 20 पंजे 100, 100 हो गया, और उसके बाद में एक मिनट, 20 पंजे 100 और 100 का लीजिए 107 माइनस कितना हो गया 3 करेंगे तो आंसर आंसर हमारा कितना आएगा 104 आ रहा है, आंसर जो है हमारा 104 आ रहा है। तो इस प्रकार से 104 जो है, देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 104 इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, 104 इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, ऑप्शन इसका आंसर जो हमारा क्या सही होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो है इसका आंसर होगा। अब देखिए अगला, देखिए अगला जो है क्वेश्चन ये होगा, एल का अर्थ प्लस है, अब अच्छा दे शब्द दे दी, एल का अर्थ प्लस है, एम का अर्थ इतना है, इतना इतना इतना, हमको शब्द नहीं देखना, हमको प्रश्न नहीं देखना है, हमको ये देखना है, देखिए 14 है, एन का अर्थ डिवीजन है, एन का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, और उसके बाद 10 है, डिवीजन जो है किससे कर दिया है, एल का अर्थ जो है प्लस है, पी का अर्थ जो है डिवीजन है, और उसके बाद में एम, एम का अर्थ कितना है, ये है आप वो वाला हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे जो है 14 दिया तो हमने ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा कोई, तो हमने सोचा गलत हो जाएगा, तो इसको देखिए पहले इसका इसका करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा, 140 और प्लस 21 कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा, 161 हो जाएगा, और माइनस 8 कर देंगे, माइनस 8 कर देंगे तो 153 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 153, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, 153 जो है हमारा ए नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, बता रहा होगा। अगला देखिए, ये अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, 20 माइनस 10 का अर्थ जो है 200 है, 8 माइनस 8 इंटू 8 डिवीजन 4 का अर्थ जो दे रहे हैं वो 12 दे रहे हैं, और 6 इंटू 2 का अर्थ दे रहे हैं वो 4 दे रहे हैं, तो आपको इसका आंसर आंसर बताना है कितना रहेगा। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा आपके पास दिमाग होना चाहिए, वरना आप इसको नहीं कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग का मतलब है, ये जो है यहाँ पे कह रहे हैं 20 माइनस 10 बराबर जो है वो 200 है, तो 20 माइनस 10 जो है 200 के बराबर तभी होगा जब यहाँ पे साइन हो जाएगा कि गुड़े का, तो इसका मतलब माइनस का अर्थ क्या है, गुड़ा है। अब 8 डिवीजन 10 का 4 का अर्थ क्या है, 12 है, तो 8 डिवीजन 4 का अर्थ जो है 12 है, इसका मतलब इसके बीच में साइन जो होगा प्लस का होगा, तो प्लस का डिवीजन का मतलब प्लस है। अब यहाँ पे देखिए 6 इंटू टू का अर्थ 4 है, तो 4 तभी आएगा कम संख्या जब यहाँ पे माइनस हो, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब माइनस है। अब इसको हमको सॉल्व करना है 100 माइनस 10, अब हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है ना, माइनस का अर्थ देखिए, माइनस का अर्थ जो है मल्टीप्लिकेशन है, और उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का अर्थ माइनस है, उसके बाद में डिवीजन देख रहे हैं, डिवीजन का अर्थ जो है वो प्लस है, उसके बाद प्लस का तो प्लस ही चल रहा था, प्लस का जो था
प्लस ही चल रहा था, इनटू इनटू का मल्टीप्लिकेशन का अर्थ जो है वो माइनस है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, हमने सब सही कर लिया है। तो पहले हम डिवीजन वाला करते हैं। देखिए डिवीजन इसमें कहीं दिख रहा है? डिवीजन वाला कहीं नहीं दिख रहा है, डिवीजन वाला कहीं पे दिख नहीं रहा है, डिवीजन वाला दिख नहीं रहा तो हम करेंगे भी नहीं। अब देखिए इसका इसका मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, इसका इसका और मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे। मल्टीप्लीकेशन जो है कर रहे हैं, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे कितना होगा 10 होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ पे जो है 10 था ना, तो इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। 1000 का गुणा मतलब 100 का गुणा 10 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा। माइनस करेंगे 1000 प्लस 1000 और प्लस 1000 प्लस 100 माइनस 10। तो अब इसको ऐसे ही कर लीजिए कि 1000 1000 माइनस माइनस है तो कट जाएगा, वैसे आप जोड़ेंगे 2000 आएगा, उसके बाद करेंगे तब भी वही आएगा, हालांकि कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब ये कट गए 110 और 110 में से ये माइनस कर देंगे तो एक आ जाएगा, एक प्रकार से 1000 ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1000 प्लस 1000। एक मिनट इसको जो है सॉल्व कर ही लीजिए, एक मिनट इसको सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1000 दिया था, 1000 की जगह सही दिया है, हाँ सही दिया है, तो 1000 1000 जो है ये कैंसिल हो गए। अब बचा 1000 प्लस 100 हो गया 1100, और उसमें 10 और जोड़ रहे हैं, 10 और माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम इसमें से जो है माइनस कर रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं, इसमें से जो है हम माइनस कर रहे हैं 1100 में से 10, तो बचेगा हमारा जो वो 1090 जो है यहाँ पे बचेगा, तो 1090 यहाँ पे बचेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी, इसका मतलब जो है 1090 हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, डिवीजन का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस का अर्थ ये तो हम कुछ देखेंगे ही नहीं, तो आपको बताना निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, इसमें आपको सबको देखना रहेगा, हर बार करके देखना रहेगा किसका जो है आंसर सही आता है। तो देखिए करने के ये की ट्रिक है, करने का अर्थ देखिए, डिवीजन का अर्थ देखिए, एक एक करेंगे तभी होगा, इससे ऐसे आप इसको नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन माइनस का अर्थ देखिए क्या है, माइनस का अर्थ जो है मल्टीप्लीकेशन है, और डिवीजन का अर्थ देखिए क्या है, डिवीजन का अर्थ जो है प्लस लिख देते हैं, और फिर मल्टीप्लीकेशन का अर्थ देखिए क्या लिखा, मल्टीप्लीकेशन माइनस है, और माइनस का प्लस का अर्थ देखिए क्या कह रहे हैं, प्लस का अर्थ जो है वो डिवीजन है, प्लस का अर्थ जो है वो डिवीजन है। अब इसको सॉल्व करिए, पहले डिवीजन वाला कर दीजिए, तो डिवीजन वाला जब करेंगे तो 10 दुना 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, और इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 प्लस 5 माइनस 2, तो 75 5 80 माइनस 2 बराबर 78 आ रहा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। अगला देखिए 8 10 है, तो इसमें डिवीजन का अर्थ देखिए क्या होगा, डिवीजन का अर्थ प्लस कर लेते हैं, और फिर डिवीजन का अर्थ प्लस है। अगला देखिए माइनस का अर्थ क्या दे रहे हैं, माइनस का अर्थ जो है मल्टीप्लीकेशन दे रहे हैं, और प्लस का अर्थ क्या दे रहे हैं, प्लस का अर्थ डिवीजन दे रहे हैं, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का अर्थ क्या दे रहे हैं, माइनस दे रहे हैं। उसके बाद डिवीजन वाला हम करेंगे, तो डिवीजन वाला यहाँ करेंगे 3/5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3/5 आ जाएगा, तो अब देखिए इसका जो है 3/5 दे रहे हैं, तो 3/5 जो है इसका सही भी नहीं होगा, 3/5 दे रहे हैं, पहले ही दे रहे हैं, फ्रैक्शन में पहले आ गया, और 5 तभी कटेगा जब कुछ आ जाएगा। तो चेक हालांकि कर लीजिए, लेकिन ये सही नहीं होगा, चेक कर लीजिए लेकिन ये सही नहीं होगा, 3/5 आएगा, और 3/5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो 8 प्लस 2 आ जाएगा,
और माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस 6 करेंगे, 8 दो 10 कितना होता, 8 दो 10 माइनस 6 4 आ रहा, तो ये भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। अगला देखिए, 6 into 2 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ माइनस कर लीजिए, उसके बाद प्लस का अर्थ कर दीजिए डिवीजन, प्लस का अर्थ डिवीजन कर लीजिए, और डिवीजन का अर्थ कितना माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया हमने, और माइनस का अर्थ कितना कर दीजिए, माइनस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कहीं तो गलती कर दिया हमने। प्लस डिवीजन का अर्थ प्लस है, डिवीजन का अर्थ ये प्लस है, यहाँ पे देखिए डिवीजन का अर्थ प्लस है, तो इसका इसका डिवीजन करेंगे, 2 और 3 का डिवीजन करेंगे तो 2/3 आएगा, 2/3 6 माइनस 2/3, उसके बाद में प्लस आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 12 3 36 आ जाएगा, इसके इसके बीच में डिवीजन का है तो 36 आ जाएगा। अब देखिए ये फ्रैक्शन में दिख रहा है, फ्रैक्शन में ये जो है इसको सॉल्व भी करेंगे तो आएगा है नहीं, आने वाला है नहीं, हम इसको हालांकि पहले सॉल्व करेंगे, इसको 36 कितना होता है 42 होता है, 42 कर देंगे भी देंगे तब भी ये आंसर जो है हमारा जो है फ्रैक्शन में ही आएगा, 42 2 कितना होगा, 42 2 होगा 44 होगा, फ्रैक्शन में ही आएगा, सही नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया, सी नंबर वाला भी गलत हो गया। अगला देखिए डी नंबर, डिवीजन का अर्थ प्लस है, डिवीजन का अर्थ प्लस है, और 7 माइनस का अर्थ कितना है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का अर्थ माइनस है, माइनस कर दीजिए, प्लस का अर्थ डिवीजन है, डिवीजन कर लीजिए, तो पहले डिवीजन वाला करेंगे तो 10/3 आ जाएगा, पहले ही यहाँ पे यहाँ कितना आ जाएगा 10/3 पहले आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा 5, सात पचे 35 आ गया, ये 35 माइनस 10 प्लस 3, ठीक है, यहां पे एक देखिए 10/3 आ रहा था, 10/3 आ रहा था, 10/3 तो 10/3 तो कहीं तो गलती हो रही, एक मिनट देख लेते हैं फिर से, तो यहां पे देख रहे हैं 7 × 3 डिवीजन का अर्थ कितना है, डिवीजन का अर्थ जो है प्लस है, उसके बाद में 7 − 5 माइनस का अर्थ जो है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ माइनस है, और उसके बाद में क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का जो अर्थ है माइनस है, और प्लस का अर्थ जो है वो डिवीजन है, तो ये जो आ जाएगा 3 × 9, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा आ जाएगा, तो इसको अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट जो है सॉल्व करिए, 35 3 कितना होता है, 35 3 होता है 38, तो यहाँ पे 38 कर लीजिए, ये वाला काम खत्म हो जाएगा, और 38 3 कितना होता जाके, ये भी जो हमारा ऑप्शन जो है नहीं आने वाला, ऑप्शन नंबर जो है इनमें से कोई नहीं हमारा जो है सही आंसर जो है इसका बता रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लस का अर्थ है माइनस, अर्थ है माइनस का अर्थ है जोड़, और डिवीजन का अर्थ है घटाना, और इसका जो है हम डायरेक्ट देखेंगे, तो यहाँ पे बताना है कि डिवीजन का अर्थ जो है गुणा है, गुणा कर देते हैं, माइनस का अर्थ है जोड़, माइनस का अर्थ जोड़ कर देते हैं, और प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, बाकी तो कुछ दिया नहीं है इसमें, बाकी कुछ दिया नहीं है तो हम करें भी नहीं, 9 × 2 = 18 होता है, 2 + 2 और 12 + 24 का गुणा कर देंगे, तो 12 + 24 का गुणा 12 हम कितना होता है 144 होता है, 144 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 12 × 144 डबल कितना हो गया 288 हो जाएगा, तो 288 हो जाएगा, और 288 में माइनस कितना करना है हमको, माइनस होगा हमको करना प्लस टू करना होगा, तो प्लस टू करेंगे 288 में तो कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा, तो हमारा डी नंबर का जो है ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, डी नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा।
अगला देखिए, कुछ सिंबल टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। सिंबल में कह रहे हैं कि इस डॉलर का अर्थ प्लस है, तो हम देखेंगे कुछ नहीं कुछ करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 16 प्लस 4 और एट द रेट का अर्थ जो है गुणा है, और हैश का अर्थ माइनस है, स्टार का अर्थ डिवीजन है, 8 9 72 होता है, 4 5 20 होता है। अलग अलग लिखे हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, अलग अलग संख्या दी गई है, एक ही में दिया होता ये डिवीजन, यहां पे मल्टीप्लिकेशन दिया होता तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, अगले स्टेप में करते हैं, ठीक है, एक साथ नहीं करेंगे। तो 4 5 20 होता है, और 20 16 कितना होता है, 20 16 36 होता है, 36 में से 9 घटा दोगे कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा। देखो ऑप्शन कहीं आंसर दिखेगा, 27 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही हमारा सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 यहां पे डिवीजन मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन का अर्थ क्या है, प्लस है, डायरेक्ट करिए प्लस है। प्लस का अर्थ क्या दे रहे हैं, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस लिखिए। माइनस का अर्थ देखिए क्या कर रहे हैं, माइनस का अर्थ डिवीजन है, डिवीजन कर लीजिए, डिवीजन कर लीजिए। और डिवीजन का अर्थ क्या देख रहे हैं, डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन का अर्थ जो है मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे 5/2 कर लीजिए, 5/2, एक मिनट। अब यहां पे देखिए 16 प्लस 3 माइनस आएगा, 5/2 × 4, 2 × 4 होता है, 5 × 2 = 10, 16 × 3 कितना होता है 19, और 19 में से 10 माइनस करेंगे, 19 में से कितने माइनस करेंगे, यहां पे माइनस है, सोलह तीन होता 19 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 9। तो 9 जो होगा इसका सही आंसर होगा, ये बता रहा होगा 9 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्लस का अर्थ जो है वो डिवीजन है, प्लस का अर्थ जो है वो डिवीजन है, लिख लेते हैं प्लस का अर्थ डिवीजन है, प्लस का अर्थ डिवीजन है। और डिवीजन का अर्थ देखिए क्या लिख रहे हैं, डिवीजन का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ देखिए क्या लिख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, और गुणे का अर्थ जो है प्लस है। तो 6 × 19 = 12 होता, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 − 3, और अलग अलग दिए हैं तो 3 × 6 डायरेक्ट कर लीजिए, और +8 कर लीजिए, 8 × 2 = 10 होता है, और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ऑप्शन कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन जो हमारा जो होगा क्या सही होगा, सी सही होगा, सी नंबर का जो ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में कह रहे हैं माइनस का अर्थ, देखिए माइनस का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, और उसके बाद में क्या कह रहे हैं, प्लस का अर्थ देखिए माइनस है, और 10 का अर्थ देख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन का अर्थ कितना है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, डिवीजन का अर्थ कितना है, डिवीजन का अर्थ प्लस है। तो 5 × 2 = 10 होता है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 15 3 − 2, और कितना आ जाएगा यहाँ पे, +5, तो 15 × 3 = 45 होता है, −2 + 5 = 45, 5 कितना होता है, जोड़ पहले करेंगे, इसके आगे जोड़ है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं उसके आगे जोड़ होता है, 50 होता है, 50 में से 2 माइनस करेंगे, 48 आएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी सही होगा इसका। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, 36 × यहाँ पे दे रहे हैं डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का अर्थ माइनस है, माइनस लिख लिया, माइनस का अर्थ कितना है, माइनस का अर्थ जो है वो प्लस है, प्लस कर लिया इसको हमने, और मल्टीप्लीकेशन का अर्थ कितना है, प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ जो है डिवीजन है, माइनस का अर्थ जो है वो डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन जो है वो माइनस है,
और यहाँ पे माइनस का अर्थ जो है वो डिवीजन है। देखो नीचे माइनस तो दिख नहीं रहा। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ देखिए, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ माइनस है। देखिए मल्टीप्लिकेशन जहां दिख रहा है माइनस कर दीजिए। और देखिए नीचे प्लस का अर्थ जो है वो क्या दे रहे हैं, ये प्लस का अर्थ जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। प्लस का अर्थ जहां जहां दिखे मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिवीजन का अर्थ जो है प्लस है, डिवीजन का अर्थ प्लस कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए ऊपर ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं, नीचे नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ब्रेकेट सॉल्व करेंगे। ब्रेकेट के बीच में कहो क्या चिन्ह लगा हुआ है, ब्रेकेट के बीच में जो है ये चिन्ह लगा हुआ है 36 और माइनस कितना 4, तो कितना बच जाएगा 32। फिर डिवीजन लगा हुआ है, फिर किसका लगा हुआ, डिवीजन, डिवीजन 8 लगा हुआ है और फिर माइनस 4 लगा हुआ है। नीचे किसका लगा हुआ है, नीचे कहीं पे भी हमको जो है किसका चाइन साइन नहीं दिख रहा है, डिवीजन का साइन नहीं दिख रहा है क्योंकि माइनस नीचे दिख नहीं रहा है। तो नीचे जब डिवीजन नहीं दिख रहा है तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। तो 8 दुनी 16 होता है और क्या किसके, सॉरी 8 दुनी 16 नहीं होता है, 4 4 और इसका इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो 32 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, 32 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 32 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2, माइनस कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इसके इसके बीच में भी था तो इसको भी मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो 16 दुनी 32 होता है, प्लस 1, तो बोलो 32 32 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बीच में क्या बचा हुआ है, ऊपर जो है डिवीजन दिया गया 8 चौके 32 होता है, 8 चौके 32 हो जाएगा तो 4 माइनस 4 बाई 1, तो 4 माइनस 4 बराबर 0, 0 बटे 1 बराबर 0, हमने पहले ही बता रखा होगा 0 बटे 1 बराबर 0, ऑप्शन नंबर इसका ए सही, इसका ऑप्शन नंबर ए सही। इसमें देखिए ब्रैकेट दे दिया, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के बीच में जो कुछ होगा उसी को सॉल्व करेंगे, फिर आगे वाले पे चलेंगे। इसी प्रकार से जो है अगले क्वेश्चन, इसमें जो है ब्रैकेट वाला दे दिया गया है। अब इसके नीचे डिवीजन 0 दिया है, डिवीजन 0 दिया है, अब इसके नीचे डिवीजन 0 दिया है और लिखा कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ भी लिखा हो हमसे मतलब नहीं है, जब भी कभी भी किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं आंसर इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, अनंत आता है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा आंसर। इसके अंदर कुछ भी लिखा है, माइनस का अर्थ, प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ, कुछ भी लिखा है इससे मतलब नहीं। ये जो है यहाँ पे ब्रेकेट ना दिया होता, ये किसी एक में दिया होता अनंत, तब भी ये अनंत ही होता। अगर जो किसी अनंत को किसी से जोड़ोगे, किसी भी संख्या से जोड़ोगे तो वो भी हमेशा क्या होगा, अनंत। अनंत को किसी संख्या से घटाओगे तब भी वो अनंत होगा। तो 1/0 कहीं भी किसी भी आंसर में दिख जाए, हमेशा उसका आंसर जो आएगा वो अनंत आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका जो है सही आंसर होगा हमारा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई मतलब टफ वाली बात है नहीं उतनी ज्यादा। तो ये एक क्वेश्चन कह रहे हैं, बिल्ली का अर्थ, चूहे का अर्थ, कुत्ते का अर्थ, ये जो है ये, तो बताइए आपको ये 8 बिल्ली चूहा चूहिया वगैरह वगैरह दे दिया है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। वो वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मतलब नया नहीं है यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे ही मतलब क्वेश्चन है और इसमें कोई कटअप वाले क्वेश्चन है नहीं। ये देखिए एरो वाला क्वेश्चन दिख रहा है, एरो का मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब अर्थ जो है जोड़ है, इसका मतलब घटाना है, इसका मतलब भाग है, इसका मतलब गुणा है। तो आपको बताना है कि इसमें जो से जो है कौन सा आंसर जो है आपका सही होगा। तो ये जो है एक प्रकार से करना है आपको, तो इसमें कुछ भी टफ वाली बात नहीं है, आप इसको कर सकते हैं और करके देखिएगा और कमेंट करिएगा इस पर कि इसका जो है आंसर कितना आया जो है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो ये लेक्चर दोस्तों गणितीय संख्याओं का यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे जो है बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इससे इसमें केवल आपको जानना रहता है, खाली आप कैलकुलेशन करे होंगे तो आ जाएगा, नहीं कैलकुलेशन अच्छी है तो नहीं आएगा आंसर, ये भी हम बता दे रहे हैं आपको। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।